हाँ भाई चलो ये बता दो बस, क्योंकि आज के ज़माने में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बच्चा ऑनलाइन में है ना, तो बहुत सारे टीचर्स के ऑप्शंस हैं, यूट्यूब पे भी हैं, अनअकैडमी पे आते हो तो भी तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम कौन से टीचर चूज़ कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन में भी तुम पढ़ रहे हो तो हज़ारों कोचिंग होती हैं। तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि भाई फिजिक्स का टीचर कैसे चूज़ करें, है ना? और तुमको कैसे पता था जब तुम पढ़ रहे थे कि तुम सही जगह पढ़ रहे हो, है ना? ऐसा मन में डाउट नहीं आया कि अगर कहीं मैं गलत टीचर से तो नहीं पढ़ रहा, या फिर इनके तरीके बिल्कुल बाकी सबसे अलग हैं, तो मतलब कैसे क्या करा था बताओ भाई, है ना? फिजिक्स टीचर कैसे चूज करा तुम लोगों ने? हाँ भाई ओम बताओ। सर आपको पता नहीं है पहले किसी ने बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन जो स्पेशली आप है जो बोलते हैं तो लगता है कि सच वो बोल रहे हैं। मतलब वो अच्छा अंदर ठीक है। से, मतलब एक होता है ना कि सर ने बोल दिया है कि यार 2 साल मेरे से पढ़ोगे तो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में तोते उड़ के जाएंगे, तो मतलब अंदर से लग जाता था कि हाँ यार सही पढ़ा रहा है। मतलब चलो अंदर से ही फील आ जाती थी, ऐसा नहीं होता था कि लग रहा है कि कोई सामने वाला फेक क्लेम कर रहा है कि नहीं होगा। और फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरा तुरंत ही खत्म होना था, मेरे पास 2 साल था, स्टार्टिंग है, 3 महीने में बिल्कुल। समझ में भी आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्लियर हो रही है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता गया। लेकिन स्टार्टिंग में हाँ ये था कि सही जगह से पढ़ रहा हूँ कि गलत जगह से पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डाउट था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। स्टार्टिंग के 3-4 महीने में क्लियर हो गया वो। चलो वेरी गुड वेरी गुड भाई। देखो ये जो होता है ना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारा पूरा करियर डिपेंड करने वाला है इसमें। सो दिस इज़ अ वेरी क्रिशियल डिसीजन, और इसमें हर एक को कन्फ्यूजन होता है, हर एक को डाउट आता है ना। चलो गौरी तुम्हारा कैसे था, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम सही जगह पढ़ रहे हो, या फिर तुमने टीचर्स को कैसे डिसाइड करा स्पेशली फिजिक्स के लिए? मुझे आपके बारे में पता चला था कोरा से। अच्छा मैंने जैसे ही अनअकैडमी ज्वाइन किया था, मैंने लाइक कोरा पे सर्च किया कि कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, बच्चे इसको फॉलो करते तो वहाँ हैं। पे तो नेगेटिव लिखा है मेरे में, बहुत नेगेटिव नेगेटिव। कोई कोरा जाए तो उसे पता चल जाता है प्रतीक सर से नहीं पढ़ना, ऐसा है? हाँ सर नहीं, जब मैंने देखा तब तो सब अच्छा कुछ अच्छा अच्छा था। अच्छा खिलौना हाँ कहीं बाद में तो, आया है। हाँ तो अच्छा मैंने लाइक सीधा, मैंने अच्छा किसी और की क्लास नहीं देखी, सीधा ठीक आपके है। क्लास में आई थी पहली बार। और आप तो वही हीट इंजन पढ़ा रहे थे, तो अच्छा सेट कर रहे थे ना। इवन दो लाइक टफ लगता है, मुझे पता था कि 11th है तो टफ लगेगा, बट चीजें क्लिक होती हैं। ठीक है। मैंने हमेशा से ही लाइक आई फेल्ट कि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, और स्कूल में भी आया है टीचर्स जो ऐसे ही पढ़ाते हैं ठीक है काफी। लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे हमेशा यार, से। लाइक दिस इज़ वेरी 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 रेयर कि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने वाले टीचर्स स्कूल में मिल जाएं। सो यू हैव बीन वेरी 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 लकी यस इन सर। दिस। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो सर मुझे अपना तरीका और आपका तरीका काफी काफी सिमिलर लगा था, और तब से मुझे लगा था कि लाइक एवरीवन ट्रस्ट्स हिम, तो धीरे धीरे मेरा भी ट्रस्ट लाइक बिल्ड हुआ था। एंड जैसे ओम ने बोला, जो आप बोल दें उसको मान लेना है बिकॉज वो सच है। चलो तो अच्छी बात है। जब तक तुम अपने टीचर के लिए, जब तक बहुत ही, मान लो कोई किसी और से पढ़ रहा है, जब तक बहुत ही गलत ना लगे, मतलब नहीं ट्रस्ट कर सकते अगर आप टीचर को अपने, तब आप किसी और को चूज करिए, वरना एक टीचर से ही पढ़े, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बार बार टीचर स्विच करना। एक टीचर से जितना ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फिर सिर्फ वो टीचर का अकेले पढ़ाने का तरीका नहीं हो जाता, वो आपका खुद का भी पढ़ने का तरीका हो जाता है, फिर आपको किसी और से समझ भी नहीं आएगा उतनी जल्दी। तो मैंने अपनी पूरी प्रेपरेशन में कभी भी कोई टीचर स्विच नहीं किया, हमेशा 3 टीचर्स थे, उन्हीं से पढ़ा। तो वेरी गुड, आई थिंक, और मैं लकी भी थी, मुझे एक बार में अच्छे टीचर्स मिल गए। तो बिल्कुल। चलो अच्छी बात है गौरी, वेरी गुड। गौरी ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी हैं, ठीक है हम उनको समराइज करेंगे एंड में। संदीप तुम बताओ भाई, तुम जैसे आए थे तुम तो भाई ड्रॉपर थे, और तुम्हारे पास, तुम सोचो तुम्हारा, तुम इन सबसे ज़्यादा खतरे में थे भाई। इनके पास 2 साल थे, अगर मान लो इनको गलत टीचर चूज़ भी कर लिया तो इनको 2 महीने 3 महीने में पता चल जाता देखो हैव चेंज। तुम्हारे पास तो हिट एंड ट्रायल का टाइम भी नहीं था ना, तुम्हारे पास लाइक मेरे कितने सात पास आठ महीने सही थे। है सर, हाँ तो बहुत एक होता है ना एक्सीडेंटली बोलेंगे, ऐसे जो भी बोलेंगे सर। हाँ मेरे पास सर दिसंबर के अराउंड, मतलब सब्सक्रिप्शन तो था, मतलब कि ये था कि मेरे पास एक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिल गया था, उससे एक टेस्ट हुआ था कोई, तो ठीक है। उससे मुझे सब्सक्रिप्शन ओ मिल गया था। तुम्हें स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ सर, वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 100% मिल गई थी सर। वाह वेरी गुड। तो फिर वो ज्वाइन करके, लॉग इन करके सर, मतलब रखा हुआ था, ऐसा ठीक है। कुछ था नहीं, मतलब कि मेरे को अन अकेडमी से ही ऑनलाइन फॉर्म कुछ ऐसा करना, मतलब मैं कभी कभी ज्वाइन कोई तो क्लास मैं उस देख समय लिया तक सर। सेल्फ स्टडी कर रहे थे तुम उस वक्त, खुद हाँ से मैं, करने वाले मतलब थे? बेसिक मेरा यही मोटो था कि सेल्फ स्टडी करनी है और उसी से मतलब सब करना ठीक है, है। ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना। बट सर वही जब फैब आया तो मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था कि मुझे
एक थोरो फिजिक्स में मतलब चाहिए कोई कि हम्म, जिससे मैं कर सकूं, तो फिर ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था तो यही ये कोई आस्क मी एनीथिंग सेशन था, कोई ठीक आपका ही कुछ चल रहा था, फ्री लाइव है। क्लास पे कुछ चल रहा था, तो हम्म, वहां पे मैंने देखा था, तो ऐसे ही फिर मैंने आपकी प्रोफाइल पे जाके कुछ कुछ जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे मतलब एक होता है ना मतलब पढ़ते ही जो एक वो अलग क्लिक कर तरीके जाता से, है। हाँ वो एक होता है ना फिजिक्स को फील वाला जो कहते हैं ना यू हैव टू फील द फिजिक्स, वो फील आ गया अंदर, तो सर फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे, फिर मैंने कुछ सर्च ही नहीं किया था फिजिक्स टीचर या कुछ एजुकेटर्स ऐसा कुछ मेरे आए नहीं, वन शॉट में ही वो मिल गया जो चाहिए था मतलब, तो मतलब एक होता है ना लकीली है जो एक्सीडेंटली वो चीज हो गई फिर मेरे तुमने साथ। 2x स्पीड करी, दिन के चार से पांच हाँ लेक्चर, सर तुमने कहा समय टू कम है एक्स का ना खत्म सर करो बहुत ज्यादा पूरा। ध्यान दिया, मतलब अगर वो नहीं होता ना सर अनअकैडमी में या कोई मतलब उसमें फीचर नहीं होता अच्छा, तो 2x वाला तो हाँ तो दिक्कत हो बहुत लॉस जाती, होता सर। और हाफ दूसरा स्पीड हो जाती। ये कि अनअकैडमी जैसे मतलब ये फ्री वो देता है तो बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल है, मतलब चलो, काफी हेल्प हुई सर। वेरी गुड, वेरी गुड संदीप, है ना, वेरी गुड। हाँ भाई अश्विनी, तुम्हारा बताओ, तुमने कैसे फिजिक्स टीचर डिसाइड करे, या फिर कैसे श्योर हुए कि भाई मुझे यहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा भी ड्रॉप ईयर था, और यस बहुत क्रूशियल सर, होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ड्रॉपर पे। सर मैंने मतलब आपके बारे में ऐसा सुना था कि आप रटाते नहीं हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हो एंड ठीक जेई है। लेवल पे पढ़ाते हो, तो मेरे को ये मतलब बातें पसंद आ गई थी आपके बारे में, तो ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया कि देखा मतलब कैसे पढ़ाते हैं सर, तो मैंने क्लासेस ली। तब सर जब मैंने आपकी क्लासेस ली तो मेरे को ऐसा लगा कि आप में और मतलब दिनेश सर में काफी सिमिलरिटीज है, चलो, बहुत अच्छी मतलब बात सर है, दिनेश सर मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन है जिनकी तरह मैं खुद बनना चाहता हूँ, वेरी गुड, तो वेरी सर गुड। आप में काफी सिमिलरिटीज है सर, मतलब आप दोनों ही मतलब फॉर्मूले रटाने में कोई ऐसा रखते नहीं हो कि अपने को फॉर्मूले रटना है, आप दोनों ही कॉन्सेप्चुअल चलते हो, तो सर आप मतलब वो मेरे को पसंद आ गया। फिर धीरे धीरे अपन जैसे जैसे रोटेशन मोशन तक चलते गए तो रोटेशन मोशन सर आपने एकदम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाया, तो सर पूरा भरोसा हो गया था आप पे कि मतलब आपसे ही पढ़ना चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। बात है, वेरी गुड, वेरी गुड इंडीड। अगर तुम जो जो मैं मतलब फिजिक्स के एक्चुअल टीचर्स बोलता हूँ ना, जो कॉन्सेप्चुअल वाले होते हैं, तुम अगर जाओगे तो तुम्हें लगभग सब एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। तुम डीप डाइव करते हो टॉपिक में, तुम एक एक चीज़ घुस घुस के समझते हो, और जब तुम वो कर ले तो फिर फिजिक्स हो जाती है, फिर फिजिक्स हो जाती है, फिर ज़्यादा कुछ फिजिक्स में रहता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, कुछ चीज़ें मैं समराइज़ करूँगा ना, कि टीचर कैसे चूज़ करना है ना, तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में चूज़ करना चाहते हो, ऑनलाइन में चूज़ करना चाहते हो, जहाँ भी चूज़ करना चाहते हो, कुछ बातों का ध्यान रखो, है ना। सबसे पहले तो मैक्सिमम तुम पे डिपेंड करता है ना, बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर के महत्व को कम किया जा सके। एक सही टीचर आपको बहुत ऊपर उठा देता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत सही डायरेक्शन में ले जाता है, आपकी बहुत सारी टेंशन खत्म कर देता है, आपका समय बहुत सारा बचा लेता है, जो चीज़ तुम खुद से 10 घंटे में करोगे वो 2 घंटे 3 घंटे में करा सकते हैं। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले तो देखो, है ना, अगर तुम अपने टीचर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, चेंज द टीचर, पहले तो ही ध्यान रखना। पर अगर इफ़ यू चूज़ टू स्टडी विद अ सर्टेन टीचर, उस पर 100% भरोसा करके पढ़ो ना। एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ आई गेस AIR 39, अनुज खरे, अनुज खरे सिक्योर्ड AIR 39 इन JEE एडवांस, है ना, उस जमाने में IIT JEE बोलते थे। ही रोट ए बुक, देर वॉज ए बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इन IIT JEE, है ना, बहुत पुराने जमाने की बातें, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और उसका छोटा भाई था अनुज खरे का, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया 26 इन IIT JEE, है ना। तो उसने ये वाली बात कही थी कि भाई जब तुम टीचर से पढ़ रहे हो तो उस पर फिर 100% भरोसा करके पढ़ो। मान लो अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ गलत पढ़ा भी दिया, तो ओवरऑल तुम बेनिफिट में रहोगे। अगर इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट योर टीचर इज टीचिंग, तो उसके चक्कर में तुम इतना समय बर्बाद कर लोगे ना कि ओवरऑल तुम्हारा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो उस जमाने में तो देखो चॉइस होती भी नहीं थी तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक सर्टेन टीचर है तुम्हें उनसे ही पढ़ना है, चॉइस नहीं होती थी। पर अभी मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर, है ना, तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते देन चेंज द टीचर, पर अगर तुम टीचर से पढ़ रहे हो तो फिर 100% भरोसा करके पढ़ो। और ये कभी मत करो कि बहुत सारे बच्चों की होती है कि अपनी कमी छुपाने के लिए वो बदल रहे होते हैं टीचर, क्योंकि अब क्या होता है ना कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। तो अब टेक्नोलॉजी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है कि तुम आज इधर पढ़ लिए 5 दिन, फिर 10 दिन उधर पढ़ लिए, 2 महीने इधर पढ़ लिए, फिर 3 महीने इधर पढ़ लिए, तुम कमी तुम्हारे अंदर और तुम बदलते जा रहे हो। डोंट डू दैट, नहीं होने वाला ऐसे सिलेक्शन। तुम्हें एक टीचर के साथ चलना पड़ेगा एंड तक, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए और तुम्हें रैंक चाहिए तो, है ना, ठीक है। और कभी दो नाव पर सवार नहीं होना चाहिए कि लाइक फिजिक्स इधर भी पढ़ रहे हो, उधर भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन भी पढ़ ली, ऑनलाइन भी पढ़ ली, फिर इधर भी पढ़ ली, उधर भी पढ़ ली। अरे एक आध टॉपिक वगैरह तुम देख सकते हो, दैट इज़ फाइन, कि भाई चलो मुझे SHM समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो भाई इधर से देख लिया कुछ ऐसा पर्टिकुलर। पर ये नहीं कि हर चीज़ कर रहे हो, जो इधर का भी मटेरियल कर लेते हो, उधर का भी कर लेते, नहीं भैया, एक ही फिजिक्स है ना, तो उससे तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए,